भाजपा की एक और अग्नि परीक्षा, हारे तो हो जाएंगे बहुमत से दूर। नई दिल्ली, गोरखपुर और फूलपुर में भाजपा को मिली करारी शिकस्त के बाद 5 और उपचुनाव के लिए जंग का मैदान तैयार हो गया है। खास बात यह है कि 282 सीटों से सिमटकर 274 सीटों पर पहुंची भाजपा को यदि इस चुनाव में पटखनी मिलती है, न सिर्फ लोकसभा में साधारण बहुमत से वह नीचे खिसक जाएंगी, बल्कि विजय रथ पर सवार सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी धरातल पर आ जाएगा। यही नहीं, उपचुनाव में लगातार मिल रही हार के बाद विपक्ष की पार्टियां भी आक्रामक रूप के साथ जनता में यह संदेश देने की कोशिश करेंगी कि भाजपा की वायद से खिलाफ देश भर में भाजपा विरोध की लहर दौड़ रही है। यहां बता दें कि जल्द ही 5 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग का कर सकता है। जिन 5 जगह चुनाव होने हैं उनमें से 3 सीटों पर 2014 में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। यहाँ सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैरना, महाराष्ट्र की पालघर और हंदार गोंदिया की। इसमें सबसे दिलचस्प मुकाबला कैराना में होने की उम्मीद लगाई जा रही है।